गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो सुबह की है ना 9 बजे हैं बस, और काम मैंने पूरा काम कर दिया आज, क्योंकि ये सुबह से पढ़ रही थी। मैं कहा तेरा SS का पेपर है, तू पढ़ ले। मैंने आज धीरे धीरे करके सारा काम कर दिया, और करना तो नहीं था, पर क्या करूँ, पढ़ाई भी इसकी ज़रूरी हो रही है। और अब जा रही हम, तारीख है आज, तन्नू और मैं दोनों ही तारीख पर जा रही आज, क्योंकि इसका भी जाना ज़रूरी है और मेरा तो जाना ज़रूरी है ही आज। और साथ के साथ तो ये सोच रही हूँ मैं शॉप की सफाई भी कराऊँ, क्योंकि उसमें चूहिया वगैरह थी, कभी सूट शर्ट काट दी हूँ, आते आते शॉप की सफाई भी कराएंगे और सूट रखे हुए वापस कर दूंगी। और देख लो रिजाई उठनी उठाई है अभी तक, इधर ही पड़ रही थी यार, वो कैसे पड़ी है। बस अभी हमने दुकान की सफाई कर दी, अब दुकान को बढ़ा के और चल रहे घर की तरफ। ये देखो झाड़ू पोछा बिल्कुल कर दिया है, और ये सारे तो उसके कपड़े इंटरलॉक के जो रखे थे, तो बस अभी चलते हैं घर की तरफ। बस अभी कोर्ट से आए थे, पहले सफाई कर दी हमने। गाइज, हमारे घर में इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं, आए तो थे कुछ काम, पर देखते साथ है ना एकदम खुश हो गया, बता दो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपना मैडम से मिलके इतना अच्छा लगा, बता नहीं ये सकते। मेरे सब्सक्राइबर है, ये कुदर तीनों में घुस गए थे। मका भाई कौन है, एकदम से चिल्ली मारी, मका पता नहीं क्यों हो गया भाई, पता नहीं था ही नहीं है कि हमारा घर है। सच में तो आज ना बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। आप भी अच्छे हो, आप खुद अच्छे हो ना, जब दूसरे अच्छे लग गए नहीं तो। ये कुछ बहुत अच्छा लगा। अरे ये कुछ काम आए थे, बता दो आप काम भी। हाँ जी, हम स्कूल की पब्लिसिटी के लिए आए थे, इनके बच्चों के लिए। तो देखा सपना मैम, तो बस फिर वो तो भूल गए ही नहीं, वे लग गए एक घंटा। इनके साथ अटैचमेंट है, जबकि इनसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इनका साथ देना, पूरा पूरा देना। अरे इनका भी देना जिस काम के लिए आए थे। हाँ जी, हमारी एकेडमी है 54 फुटा रोड पे, विद्यानगर और हीरो एजेंसी के पीछे। तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राई करना, बहुत सारी नई चीजें हैं। बहुत बड़ी एकेडमी खुली है, बहुत तो नर्सरी से लेकर 12th तक का है हमारे यहाँ, और बहुत सारी एक्टिविटी है, कुछ नया ही आपको मिलेगा। ज्यादा प्राइज भी नहीं है, कदम प्राइज ना देख कर डर जाओ, पहले बच्चों की देखो। कि आजकल है ना किसी भी स्कूल में ये देख लो कि है ना पढ़ाई, मेरे ख्याल में हो ही नहीं रही, बस नाम ही है, बस नाम हो रहा है, बस एकेडमी बहुत ज्यादा। हाँ जी, देखना आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा। एक बार जाके जरूर देखना मेरे कहने से। नहीं थैंक यू, बिल्कुल। तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा मिला। इतनी जल्दी मैंने जान दी भी, कौन कौन के लिए तो बहुत अटैचमेंट है ना। सही कह रही हूँ, पहले तो 1 घंटे है ना बातें हुई हमारी यार, इसकी बेटी तो ना ऐसे बात करती, आंटी आप ठीक हो? वो बहुत टाइम से बहुत ही प्यारी बोल रही थी, बहुत टाइम स्कूल से जाते हैं, एकेडमी से पहले इनका व्लॉग देखती है वो, क्योंकि अटैचमेंट इतनी है। बिल्कुल, एक के कहानी बता देते हैं क्या क्या। मैडम सच में बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है भाई, सब मिलके इनका साथ दे, ताकि ये उभर सके और अपने बच्चे के साथ अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। बस आप जैसे तो है, जो वो लोग देखे हैं थोड़ा बहुत गुजारा हो गया है ने? तो गाइज, घर पे रह रहे के ना शक्ल की बैंड बज गई मेरी, तो भाई मैं तेन कहूँ सोनू ने मखा मना जान दे, सोनू उठ के भाग गई, बोली मेरी शक्ल नहीं लाई, मेरी शक्ल तेरी शक्ल कर दी, देख तुमने कुर्सी हटा ली, देख ले के बात भाई। टेंशन में ना सारे पड़े, सबके है ना, नो सोच लो सारे सूख का किंगर हो रहे हैं। सोनू की दौलत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और आज थी मेरी तारीख, और जज है इतना अच्छा, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे जज है। सॉरी इतने हाथ करे तन्नो, गाइस मेरी बात अधूरी रह गई, ये देख लो हंस रही है तू, और तेरी 50 सुन देख ले इसने, या करोटाई के झूठी तो न जाओ, कुछ मजाक नहीं है। फूट पैर को टूटा कैसा, ये मैंने बोला था बुलवा दे कोई, फिर देख के कौन चला देते हैं। तन्नो बच ले बेटा, बच ले, भगवान कसम बच ले, तेरा पंडित पत्रा दिखवा रखा मैंने, तू बच ले आ जा। तो गाइस मेरी अधूरी बात रहेगी, और आज मेरी तारीख थी, बस सवाल जवाब थोड़े से हुए हैं, और अब फिर मिली है मेरी 13 की तारीख, फिर मिली है 13 को, फिर जाना पड़ेगा, हालत ऐसी हो रही देख लो। और बात करते करते वो धक्का लगा दे लो उधर बैठ ना, मेरी तेरा देख बैठ कर पीढ़ी देख उसकी चा देख तो ले घर उसकी, तो चल किस डाला गाय, जिस महीने मैंने चौथी बार गिरी है, चौथी बार या लड़की गिरी है, और इसने ने स्कूटी लेकर निकलन तो भी मेरा डर सा चढ़ जाए कि भी कदे कितने और ना गिर जाओ, देख ले अंदर ना आ जा, आ जा एक बार, दवाई लेने भी चलना है।
तो मेरा नू दिल करे तो कल मैं हिसार चली जाऊं दुआई भाई दिखाने वास्ते एक बार, क्यों आराम नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा। तो आज 500 के फोन भी आए, हर एक जनी का रोहतक से फोन आया कि दीदी मैं बताऊंगी डॉक्टर कहाँ पे है। अब देखो सारे की बात तो मानी नहीं जाती क्योंकि मेरी दवाई पस्ती नहीं है। पहली बात तो ये कि मेरी दवाई पस्ती नहीं बिल्कुल भी, रक्षण एक मिनट में रक्षण हो जाती है। अब मेरे थोड़ी सी और तकलीफ हो रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। और वो दवाई लेने भी जाना था मुझे, मैं वो भी नहीं ला सकती, कल मैंने स्पेशल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इस आरोप से, क्या तो कल मैं इशार जाऊँगी। तो गाइस मैं घूम रही हूँ और तन्नू देख लो मेरे से आगे नोली गंदा मुंह आ रहा है, तो वो मेरे से आगे आगे चल रही है और मैं इसके पीछे पीछे चल रही हूँ। और पता है इसने 1.5 लाख का फोन ना रोड पर रख दिया ना, बोली आपे ना चक्कर काट लेंगे। मखा चक्कर तो अपने आप कट जाए, जब को उठा कर लेके आना तो चक्कर अपने आप कट जाएंगे, देख लो ऐसी लड़की यार। चिड़ी बल्ला खेलने का दिल कर रहा है इसका, और तो इतनी ठंड है और इतनी हवा चल रही है ना, बेहद तुक वाली हवा, तो हम चक्कर काटेंगे 50 क्योंकि मेरा कल चक्कर से हो गया था आराम। आजा 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 दिख गई अब तू खोपड़े के। हाँ 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 मुँह लोको 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 लोको। मम्मी बना रही है चिल्ली और मम्मी को बनाने नहीं आती, देखो कैसे जला दिया। मैं तो आप आई हूँ, तू तो लेके मेरी बेइज्जती कर लिया क्या? तो गाइस मैं चिल्ली बनाती, मैंने ज्यादा पतला पेस्ट कर दिया और देखो गाइस इसका क्या होगा। हाँ मैंने टाइट किया है, मैं खाऊंगी, मम्मी को नहीं खाने गाइस। मैं तो खाऊंगी। हाँ आपके तभी खिचड़ी बनेगी वो खाना। मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। क्यों? इधर मम्मी ने बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल गोल चिल्ला बनाया गाइस। अरे तू मेरा नु करी थी फटोड़ा चिल्ला, माँ इतना तो काम कर पाई है तू। मेरे को भूख लग रही थी सुबह की बहुत, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खा रखा था। तो गाइस मम्मी के ना बिल्कुल भी शांति नहीं है, मतलब 2 मिनट क्या मजाल मेरी मम्मी बैठ जाए। ये देखो कितनी गिलट्टू बेटा, फ्रिज दिखा, फ्रिज साफ कराया नहीं? तो गाइस मम्मी ने सारा फ्रिज साफ कराया, अभी दूध गर्म कराया, दूध निकल गया फिर मौसी का चक्कर में। मम्मी मौसी से बात कर रही थी गाइस अभी, और ये देखो सारा कैसे खिंडा आई मिंडा आई हो रही है। पता है मैंने क्या कर दिया, गंदा नहीं खिंडेगा ये भी, मेथी भी चून कर रख दी, धनिया कर दिया की चटनी बनाए, मतलब बोलो ये देख धनिया से कर दिया धोया अच्छा सा और वो कर दिया। तो क्या कह रही थी किसमें खराब नहीं होता? फॉइल पेपर, फोर पेपर में रख दे लपेट के इसको, ठीक है। और ये मैं रख देती मेथी, तुम को मेथी परांठे खाने हैं, कल बनाते हो। ओके तो गाइस इधर आप देख सकते हैं हमारा फ्रिज पूरा साफ हो चुका है, और पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये बिल्कुल हम जीरो पे भी रखते हैं ना तो भी इतना ज्यादा इसकी हाई फ्रीजिंग है गाइस, बहुत ज्यादा। दो मिनट में चीजों को फ्रीज कर देता है, मतलब 2 मिनट तो कुछ ज्यादा होगी, मतलब कर देता है गाइस ये, गर्मी में भी फ्रीज कर देता है ये चीजों को। गाइस यहाँ पे इसमें कन्नू के भोग के लिए बन रहा है हलवा, ये हम लेके आए थे छोक वगैरह लगाने के लिए, लेकिन अब तक हमने यूज नहीं किया छोक वगैरह में, तो इसलिए हमने ये कर लिया कन्नू के भोग के लिए यूज। तो गाइस हम आ चुके हैं आरती में से, आंखें तो होगी रो रो के, बुरा हाल कर रखा है ना, अभी भी ये लड़की ना मंदिर में रो के आई, इतनी रो के आई है और किसी का कहना नहीं मान रही, क्योंकि है ना जिसने इतना चमत्कार देखा ना, इतना चमत्कार देखा इसने, और बहुत कसूता बोलूं क्या की आज तो इसने इतना चमत्कार इसने बताया, पीछे तो इतनी रोई है ना, बहुत ज्यादा रोई है इसने, ये चमत्कार देखा। ये आरती कर रही थी और ये घंटी बजाई थी जी, है देख रही थी जिस तरह आरती बजा आरती कर रही थी ना गोगी भैया, तो आरती कर रहे थे और पीछे से ये घंटा बजा रही थी जिस तरह, और माता जी इतनी रोते हुए दिखाई दे, इतनी रोते हुए, और वो रोते हुए जब दिखाई देती है, जब किसी पे भारी संकट होता है ना, जब रोते हुए दिखाई देती है, कभी भी माता जी नहीं देती दिखती किसी को भी, एक बार रोती हुई दिखी थी माता जी जब सोनू का मामा का लड़का एक्सपायर हो गया था, जवान लड़का था, बहुत बहुत बुरा हाल। आज इसने देखी है माता जी, क्या ना बोलू, मत बोल रही हूँ आज कि मेरे ऊपर थोड़ी ना है, कब तक किस पे होगा बेटा, कब तक किस पे होगा किस पे नहीं है। और ये जब से रो रो के बुरा हाल हो रहा है इसका, क्योंकि इसको दिखगी ना रोते हुए, आप दिखा लो आप दिखा लो, अब रो तक मैं कल नहीं परसों शुक्रवार को डॉक्टर बैठेंगे बेटा, है तू पेपर दे आराम से फिर जाऊंगी मैं, ठीक है। और अब थोड़ा बहुत मैं तो कुछ खाऊ नहीं गी, बस मैंने दूध दूध पी लूंगी थोड़ा सा, बिना बात चिंता ले बैठे, अब जिसके सिर पे माई का हाथ हो उसको कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता।
आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो आस्ते दिखते रहते हो 24 घंटे हमें हम खुश रखने के लिए। देखो आप घर में 2 जने हैं, इनको खुश ना रखूंगी तो और मैं 24 घंटे खाट में दिखूंगी रोऊंगी तो इनका तो और भी रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। दिख तो मेरे को ये रहे है बस, अपना माई रानी ठीक कर दे। मैं परसों शुक्रवार को चली जाऊंगी और बाबा शिव जी का व्रत भी है उस दिन और अच्छा ही करेगा, मुझे ये पता अच्छा ही करेगा। और बस आप जोत बत्ती कर लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ जोत का, क्योंकि अखंड जोत घर में चल रही है, और भोग लगा दूँ बस, फिर अपना कुछ खाने पीने की तैयारी होगी। ज़्यादा बड़ा ब्लॉक तो मिले नहीं गा, अपने छोटा सा ही ब्लॉक मिलेगा, ज़्यादा लंबा तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं कहीं नहीं जा सकती कितने, क्योंकि स्कूटी भी नहीं चलानी, फिर भी मैं धक्के से निकल रही हूँ। आज अर्जेंट काम था उधर गई और अभी अभी आई हूँ, आरती लेनी मुझे ज़रूरी थी क्योंकि मैंने माता जी के दर्शन में कहा माई मैंने ठीक कर दे, मैं तो डेली आया करूँगी, तो माता जी के दर्शन मैंने बोले हैं। और आप फटाफट जोत बत्ती करके फिर सोने की तैयारी कर लेते हैं। अब ऐसे करेगी क्या, ये देख लो लड़की को समझाओ, इसको कोई इसको समझाने वाला नहीं है। अभी भी ये देख लो रो रही है, रसोई में खड़ी होकर रो रही है। अब ये सोचो कि मैं झूठ बोल रही, देख लो सुट सुट कर रही है। कितना समझाऊं इसको, कितना समझाऊं कि माई अपने साथ है बेटा कुछ नहीं होगा।